क्या बात है, तू चुप चुप क्यों है? अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटा। अम्मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शाहनवाज से शादी नहीं करूंगी। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। नीलो बेटा, तुझे इस शादी से इनकार क्यों है? अम्मी, क्या आप इस रिश्ते पर हामी भर चुकी हैं? नहीं, मैंने सदीका से ये कहा है कि मैं नीलो की मर्जी पूछकर हाँ करूंगी। नीलो बेटा, मैं तो सिर्फ शाहजी की तरफ देखकर तजब्जुब का शिकार हूँ। हमारा साथ दिया, इसलिए उनके सामने इनकार का मुझ में हौसला नहीं। और मैं शाहनवाज की तरफ देखकर तजब्जुब का शिकार होंगी, मेरे अंदर इकरार का हौसला। शादी करने के लिए हामी नहीं भर सकती, नहीं कर सकती। हेलो। अरे तो बिलो का फोन था, लेकिन मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ? ये भी कुछ सोचने की बात है। कह देती हूँ, शेरोज मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती ना। चलो एक बार फिर कोशिश करते। हेलो हेलो बिलो, कुछ कहो तो। बिलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही। ऐसा ही है ना? ठीक है, ना कहो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करना चाहती हो, यही बताना चाहती हो मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ले आओ पुत्र, आज जो मैं चिकड़ छोले ले ही आया हूं तो ले आओ, हॉल पै रहे हैं मुझे। लाई अब्बा। ये ले। बिस्मिल्लाह, रख इधर पुत्र, ले। चलो आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा पुत्र, बैठो। ये ले अब्बा, ये ले। अब्बा जी, ये मैं दही लेकर आया हूँ, चिकड़ छोलों के साथ दही मिक्स करके खाओ, बड़ा मजा आएगा। ओ एक मिनट एक मिनट, फड़ दरा फड़ मेरे, मैंने खाने हैं तेरे। दही और चिकड़ छोले मिक्स करके खाने से मुझे गुजरांवाले के यूनुस पहलवान के खाड़े की कुश्ती याद आ गई है। बशीर पहलवान, कुश्ती याद आ गई है? मैं नहीं याद आई तुझे। ओए तू कुश्ती में कहां से टपक पड़ी है? चिकड़ छोले खाने के वक्त तूने मुझे पूछा ही नहीं है। तुझे पूछने की जरूरत क्या, बिन बुलाई बुलाए तूने तो भांडे में आके मुंह मार देना होता है। अब अपनी गली सड़ी बातें करके ना
हमारे इस चिकड़ छोलों का जायका खराब नहीं करना। मुंह बंद करके, अच्छा नहीं बंद करके नहीं, चुप करके तो खा ले, तू भी खा ले और दे इसको भी। अम्मा अब्बा ठीक कह रहा है, चुप करके छोले खा, बाद में ये लड़ाई झगड़ा कर ले। सारे घर वाले बदीद हो गए, मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं अपना। इसकी ना बीबी, कमलिए तू किसी की हो तो कोई तेरा हो ना, तेरा तो सबके साथ इट खड़का है। अच्छा लपट। फिकर नॉट टेक, हौसला पलवान जी, मुझको कुछ खाने पीने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी, बाद में। खा डप के तुझे नींद मौत आ जानी है, तूने क्या बात करनी है। चल खा, अल्लाह होर डाल दिया मैंने। गुड्डे कितने मजे के हैं। ओ ती रानी, ले मैं तेरे साथ खाता हूँ, ले आजा अब्बा मेरे साथ ही खा ले। ले बिस्मिल्लाह। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे तुझसे और मैं नाराज, तुझसे नाराज होकर भला मैं जिंदा रह सकती हूँ? तो फिर आप यहाँ पर इतनी चुपचाप क्यों खड़े हो, क्या सोच रहे हो? यहाँ बैठ, मैं ये सोच रही थी कि तू अगर शाहनवाज से शादी नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? मम्मी आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? अरे नहीं पगली, आखिर एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है। जब शादी होनी होगी ना तब देख लेंगे, फिलहाल आप मुझे 15,000 रुपए निकाल के दें, मसाले वाले को जाकर पैसे देने हैं। मैं भी चलूं तेरे साथ? नहीं अम्मी, बिलो को बाजार में कुछ काम है तो वही मेरे साथ चलेगी। आप पैसे निकाल के मुझे दें, उतनी देर में मैं कपड़े भी बदल लेती हूँ और कुछ कागजात उठाने हैं वो भी उठा लूँगी। ठीक है। तेरी बात पे तो बाहर कर रहा हूँ, बलाएं दूर हो जाएंगी ना। वीर बलाएं।